जी हाँ, आज बात श्रीलंका या कहें विश्व क्रिकेट के कोहिनूर की, जिससे ना केवल श्रीलंका बल्कि पूरा खेल जगत जगमग है। आज का एक खास कार्यक्रम एक लिविंग लेजेंड, एक मॉडर्न डे ग्रेट, कुमार संगकारा के नाम। मैं हूं जतिन सप्रू और आप देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग संगा। जी, ये तो सब जानते हैं कि क्रिकेट का पितामह तो सिर्फ एक ही है, सर डॉन ब्रैडमैन। अब उन्हें तो मैंने मैदान पर खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन हम सब खुश नसीब हैं कि कुमार संगकारा की कवर ड्राइव के हम सब गवाह हैं। चलिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने खेले हैं 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। उस फेहरिस्त में औसत के मामले में सबसे आगे नाम है कुमार संगकारा का। हर एक परिस्थिति में खेल चुके हैं, 15 साल का यह करियर रहा, 57 की औसत से ज्यादा पर अपना करियर खत्म कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर बल्लेबाजी के क्रम में सबसे अव्वल दर्जा किसी पोजीशन को दिया गया है तो वो है नंबर 3, जहां पर अक्सर हम चर्चा सिर्फ राहुल द्रविड़ और रिकी पोंटिंग पर खत्म कर देते हैं, लेकिन ये आंकड़ा साफ कर देता है कि क्यों कुमार संगकारा इस तुलना में भी सबसे आगे हैं। मॉडर्न डे ग्रेट का शायद सबसे बेहतरीन नंबर 3 बल्लेबाज कुमार संगकारा। तो चलिए जान लेते हैं कि श्रीलंका के टॉप स्कोरर का कद कितना बड़ा है। कुमार संगकारा के रिटायरमेंट के राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर तो लगता है कि कुमार संगकारा शायद जन्मे ही सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए थे। लेकिन हकीकत क्या है? क्या बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे? क्या हमेशा से सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते थे? सुना है कि घर पर माँ जो है वो एकेडेमिक्स यानी कि पढ़ाई लिखाई की पक्षधर थी, लेकिन पिताजी चाहते थे कि बेटा वर्ल्ड चैंपियन से भरी टीम में जगह मिली संगकारा को। ODIs और टेस्ट मैचेस में उनके पहले कप्तान थे सना जयसूर्या। टेस्ट मैचेस में पहले शतक का इंतजार रहा 1 साल और 9 टेस्ट मैचेस का। पहला शतक आया भारत के खिलाफ गोल में 105 रनों की नाबाद पारी। लेकिन इंतजार और भी लंबा था एक दिवसीय क्रिकेट में, 3 सालों का और 85 मैचेस का। जी हाँ, लेकिन शतक आया पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में 2003 में, लेकिन जब शेर के मुंह खून लग गया तो फिर क्या था, अगले ही मैच में लगातार दूसरा शतक भी बना दिया कीनिया के खिलाफ। रनों का सिलसिला इसी प्रकार चलते रहा और 2006 आते आते टीम की उपकप्तानी सौंप दी गई संगकारा को। दिसंबर 2007 में पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन बने संगा, और वो भी 938 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इससे पहले कोई भी श्रीलंका का खिलाड़ी इतने रेटिंग पॉइंट्स टेस्ट क्रिकेट में 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रन पूरे करने के लिए सबसे कम पारियां ली कुमार संगकारा ने। कमाल की बात तो ये है, जो कवर ड्राइव जिसके हम सब दीवाने हैं, कुमार संगकारा ने खुद कहा कि वो शॉट उन्हें खुद कभी उतनी स्टाइलिश लगी नहीं। भाई चलिए छोड़े, हम तो फैन थे और फैन रहेंगे। 50 ओवर फॉर्मेट में तो विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन 2012 के बाद हम आपको लेके जाते हैं 2014, जहां पर ICC वर्ल्ड T20 में जब आखिरी बार T20 क्रिकेट खेलने उतरे कुमार संगकारा, तो ये मेडल तो अपने नाम कर ही बैठे। भाई धुनों के मालिक है कुमार संगकारा, चाहे वो धुन निकली हो उनके वायोलिन से, चाहे वो धुन जो निकलती थी बल्ले से जिस पर डांस कराया इन्होंने अच्छे अच्छे गेंदबाजों को। अब आप सोच लीजिए, करियर इतना खास रहे तो कितनी किताबें लिखी जाएंगी इन पर, लेकिन आप उन किताबों का इंतजार मत कीजिए। जो जानना चाहते हैं कुमार संगकारा के बारे में वो यही बता रहे हैं ना हम आपको सेलिब्रेटिंग संगा पर। I got run out. Brilliant. I know I've got 13,000 one-day runs, and I went past Sanat some time back, so maybe 13,600. Spot on, 13,693, so you win that. वेल डन संगा। लेकिन इसी तरह फैंस भी जो हैं आपके, उन्हें ये रिकॉर्ड्स, ये स्टैट्स, ये आंकड़े सालों तक याद रहेंगे। जब एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहा था 2015 विश्व कप के बाद, तो उन्होंने कहा गेम सबसे बड़ी है। कुछ और दिग्गज भी इसे अलविदा कह चुके हैं, तो ज्यादा इमोशनल ना होएं। लेकिन लाजमी सी बात है, कुछ आंखें तो नम हो ही गई।
जाते जाते भी गेम के प्रति अपने सम्मान का एक बेहतरीन प्रमाण दिया इस खिलाड़ी ने। विल मिस यू संग।